तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेस के बारे में, और हमारे साथ अवस्थी जी हैं। मनीष अवस्थी जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा, साथ में वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस ऑनलाइन क्लास में जो आपने चूज किया। तो सबसे पहले मैं अपने और मेरे इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता दूँ। मैं 2003 से एक्सेल और एमएस ऑफिस पे काम कर रहा हूँ, और 2007 से मैं क्लासेस दे रहा हूँ। हालांकि 2007 से 2015 तक मैंने जॉब के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की थी पार्ट टाइम, बट 2015 के बाद मैं रिपोर्ट कंसल्टेंट हो गया और साथ में फुल टाइम ट्रेनिंग में आ गया। तो मेरे पास जो भी एग्जांपल्स हैं, मेरे पास जो भी सैंपल्स डेटा है, वो सारे के सारे किसी न किसी ऑफिस की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास 40 to 50 कंपनीज मेरे कॉन्टेक्ट में है जिनकी डे टू डे क्रिटिकल रिपोर्ट्स को मैं सॉल्व करता हूँ, क्रिटिकल रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करता हूँ, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। मोर देन 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ चुके हैं, क्योंकि तो शुरुआत में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता था जहाँ एक एक बैच में 200 200 लोग हुआ करते थे। बट ऑनलाइन क्लासेस हमारी 1 to 1 होती है या फिर 1 to 3 होती है, 1 से 3 ही बैच में होते हैं हमारे। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरी क्वालिफिकेशन है एमफिल इन कंप्यूटर साइंस। आपकी इको आ रही है आवाज में बहुत। आवाज इको हो रही है, एक मिनट सर। अभी ठीक है सर? अभी कुछ बेटर है सर। ओके। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरी क्वालिफिकेशन एमफिल इन कंप्यूटर साइंस है, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, क्योंकि मैंने 2007 में गो टू मीटिंग के थ्रू ट्रेनिंग शुरू की थी, क्योंकि उस समय 2G भी इंडिया में बड़े मुश्किल से चला करते थे, और 70% लोगों के पास नोकिया 1100 फोन ही था। तो उससे मैंने MTL की लैंडलाइन कनेक्शन के साथ हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूँ। अब बात करते हैं कोर्स के ऊपर, जैसे कि हमारी फोन पे आपसे बात हुई थी, आप सीखना चाहते हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस, राइट? एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। मैं मतलब एमएस एक्सेस और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है और क्या सीखना बेटर रहेगा पहले आप अपना रिक्वायरमेंट बताएं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सर? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, MIS का प्रोफाइल से डेटा के ऊपर ही काम है सारा। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में उससे पहले अभी टेन में था, टेन अभी रिसेंटली मैंने रिजाइन करके अभी स्पेक्ट्रा नेट ज्वाइन करी है। तो ठीक है। वहाँ पे प्रोफाइल MIS का ही है, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज VBA की है ठीक ठाक, एक्सेल की है, MS एक्सेस की भी है, मतलब क्वेरीज वगैरह उसका फॉर्म का जानकारी नहीं है, माइक्रोस की जानकारी है। तो SQL और एक्सेस में दोनों में से क्या बेटर रहेगा मेरे लिए? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपकी कंपनी में कौन सा चीज, आपके जो कंपनी में यूज होगा वही ना सीखेंगे? कंपनी में तो सब कुछ है सर, सब कुछ है। चलिए हम दोनों एसक्यूएल बताता भी हूँ, है, मैं आपको दोनों के एसक्यूएल बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जी। सबसे पहले बात करते हैं एमएस एक्सेस के बारे में। तो जो एमएस एक्सेस डेटाबेस है वो क्या है? एमएस एक्सेस डेटाबेस को हम कह सकते हैं एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि मैंने एक्सेस को डेटाबेस दिया है किनके लिए? शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 2 GB का, कि 2 GB से ज्यादा का डेटा स्टोर ही नहीं रखता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एमआईएस फील्ड में एक बहुत सारा काम आता है, जैसे कि आपको कई सारे एक्सेल और वीवी कई सारे फीचर्स हैं जो कि काफी लेंदी है या परफॉर्म ही नहीं होता है, ऐसे ऑप्शंस को, ऐसे प्रोसेस को एक्सेस बड़ी आसानी से कर देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 50 टेबल पे डेटा है, और 50 टेबल के डेटा आपस में मर्ज करके आपको कुछ कुछ पार्ट लेना है, तो उसके लिए एक्सेल बहुत ही लेंदी प्रोसेस को फॉलो करेगा, कोडिंग वोडिंग करना पड़ेगा। एक्सेस में इजीली है कि आप 50 डेटा को कनेक्ट कीजिए और उसको जो जो फील्ड चाहिए वो फील्ड को आप ले लीजिए सर, सिंपल क्वेरी में सिंपली हो जाता है। तो एक्सेस ना कि ऐसा नहीं कहता हूं कि स्मॉल इंटरप्राइजेज में यूज होता है, लेकिन ये स्मॉल डेटा टाइप्स है,
इसलिए मैंने बताया एसएमई। और इसका यूज जो होता है एमआईएस में होता है कि एक्सेल पे, जब देखिए मेनली एमआईएस तो आपका एक्सेल पे ही बनता है, जो विजुलाइजेशन वगैरह होता है जिसको हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं वो तो आपका एक्सेल पे बनता है, लेकिन उसको बनने में एक्सेस आपको सपोर्ट करता है, राइट समझ गए? क्योंकि राइट सर, राइट, मतलब इसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशन के क्यूई लिए। है, बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज इसमें क्या है, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो आपको जो है इसको यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कि बस आपको ड्रॉप डाउन करना है, आप उसको यूज कर लेना है। और एक्सेस जो है सपोर्ट करता है वीवीए को, सपोर्ट करता है एसक्यूएल को, तो आपकी कुछ अलग प्रॉब्लम हो, कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम हो, या कुछ कनेक्टिविटी से, मान लीजिए आपके डेटाबेस में 50 लोग हैं, आप चाहते हैं उसको मेल डाल देना एक्सेस से, तो आप इसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग लेके बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप सबको मेल डाल देगा, समझ रहे हैं सर? समझ रहा हूँ, तो इसके लिए एक्सेस इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं एसक्यूएल सर्वर की। अब एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर आपका यूज होता है किसमें, लार्ज डेटाबेस में। आपकी वेबसाइट है, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि जो vv.net पे बना हुआ है, कोई अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, उसका डेटाबेस है, तो ये एक लार्ज डेटाबेस को हैंडल करता है। मतलब कि आप जो है आपकी कंपनी में 50 लोग हैं, अब 50 लोग जो एक डेटा का हैंडल करते हैं, तो उनको 50ों के पास एक्सेस क्या होगा, 50ों के पास नहीं जा पाएगा एक फाइल। हाँ बट एसक्यूएल क्या होगा कि आपने एक सर्वर इंस्टॉल कर लिया, अब उस सर्वर को से क्लाइंट सर्वर सबको दे दिया, ठीक है, और यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू सारे एक्सेस करेंगे। जैसे कि फेसबुक है, तो फेसबुक का डेटा कहाँ पड़ा, वो तो इसने माइस्क्यूएल में डाल रखा है, लेकिन फेसबुक जैसे वेबसाइट आप बनाएंगे डॉट नेट पे, उसका डेटा कहाँ जाएगा, एसक्यूएल सर्वर जाएगा। तो ये वेब बेस्ड भी काम करता है, तो ये ओके लार्ज हो गया, मतलब कि बहुत बड़ा आप कुछ करना है तो उसके लिए एसक्यूएल का यूज होता है। अब बात करते हैं कि आप एमआईएस में इसका ऐसे यूज कैसे कर सकते हो। अब देखिए कंपनी, मान लीजिए आपकी कंपनी डेटा अगर एक्सेस एसक्यूएल सर्वर में रख रही है, तो आपके सिक्वल पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से, क्योंकि आपको डेटा डालने तो नहीं देगा, याद रखिएगा, डेटा उसमें इनपुट नहीं करेगा, क्योंकि डेटा इनपुट करने का अथॉरिटी कहीं और होगा। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट चल रही है, तो डेटा वेबसाइट के जरिए यूजर डालेगा ना। जैसे मान लीजिए आपका एक फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, तो उसके पीछे जो उसका सर्वर होगा, एसक्यूएल सर्वर होगा, तो उस पे डेटा सेल्स का आएगा ना, तो डेटा वेबसाइट के थ्रू आएगा, तो आपको क्या करना है कि उस सेल्स डेटा को इंपोर्ट करना है एक्सेल में एनालिसिस करने के लिए। आप इंपोर्ट करते समय आपको एक्सेल में क्वेरी अगर लिखना पड़ेगा कि हाँ मुझे दिल्ली का डाटा चाहिए, फलाना प्रोडक्ट का डाटा चाहिए, एक कंडीशन लगना चाहिए, वो कंडीशन लगना चाहिए, इस तरह के सॉर्ट होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, तो ये सारे कंपोनेंट, ये सारे जो क्यूरीज है, आप एसक्यूएल में लिंक के डेटा को एक्सपोर्ट करोगे। एसक्यूएल ठीक सर्वर है, आपको कंपनी नहीं बोलेगा अगर डेटाबेस बना दो, आपको कंपनी ये नहीं कहेगा कि एक टेबल क्रिएट कर दो, क्योंकि इस सब का जो तो राइट्स होता है वो प्रोग्रामर के पास होता है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को प्रोग्राम करता है, एक एमआईएस वाले के पास नहीं होता है। जो आपकी टैग टीम होगी उसके पास इस सबका एक्सेस होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, समझ गए? जैसे आप अगर मान लीजिए कि डॉट नेट पे वेबसाइट कोई आप अपना, मान लीजिए कि डॉट नेट पे कोई अपना या vv6 पे कोई अपना सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो vv6 तो आपको सिर्फ इंटरफेस दे रहा है ना, डॉट नेट साहब आपको सिर्फ आपको इंटरफेस दे रहा है ना, उसके बैकएंड में कोई चाहिए ना, तो vv6 तो एक्सेस को भी ले लेता है एज ए डेटाबेस, पर डॉट नेट जो है उसके लिए एसक्यूएल सर्वर चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में हमारा एसक्यूएल वर्क करता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, और एक एमआईएस वाले के पास सिर्फ इतना ही अथॉरिटी होती है कि क्यूरी लिख के डेटा को इंपोर्ट कर सके, और ज्यादा एक्सेस नहीं होती। ज्यादा एक्सेस किसके पास होती है, टैग टीम के पास, जो कि उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, समझ रहे हैं सर? समझ रहा हूँ सर।
तो अब बात करते हैं, जब आपको क्यूरी सीखना है तो आप एक्सिस के अंदर ही हमारी बहुत सारी क्यूरीज है, उसको भी सीख सकते हैं। हालांकि एसक्यूएल में भी हम पूरा चीज सिखाते हैं, तो एक्सिस में भी आप पूरा चीज सीख सकते हैं। अब चलिए हम दोनों ही कोर्स को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस एक्सेस कोर्स की। एमएस एक्सेस कोर्स पे आते हैं तो सबसे पहले जानिए कि इसके दो मोड है। पहला मोड हमारा है एक्सपर्ट लेवल का, जो कि 40 से 50 घंटे की कोर्स है। अगर वीवी के साथ चलते हैं तो वीवी को स्किप करते हैं तो आपको 25 से 30 घंटे की क्लास है, 30-35 घंटे की क्लास है। इसका एक फास्ट ट्रैक मोड भी है, जैसे आपको वीवी के बारे में थोड़ा डीपली नहीं जानना है, बस थोड़ा थोड़ा चीजें जाननी है, तो हमारे पास वो फास्ट ट्रैक कोर्स भी है। लेकिन ये कोर्स दो लोगों के लिए होता है, वो लोग जो एक्सेल में बहुत एक्सेस को बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारी चीजें उसकी जानते हैं, बस उनकी छोटी चीजों को सीख के मेंटेन करना है उसको। दूसरा, जैसे इंटरव्यू के लिए कोई जा रहा है या किसी के पेपर है, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो 2 महीना 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना दे और पूरी तरह से सीखे। तो एक कोर्स उन लोगों के लिए है, तो एक कोर्स आपको सूट नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, तो हम इस कोर्स के ऊपर आते हैं। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन 40 से 50 घंटे विद वीवीए है, विदाउट वीवीए 30 से 35 घंटा है। मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे के आसपास, सैटरडे संडे 2 घंटे के आसपास क्लास मिलेगी। अब मैं आसपास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल पे। जैसे मैंने कुछ समझाया और आपने उसको समझा, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो हो सकता है क्लास 30-35 घंटे में या 45 मिनट में खत्म हो जाए। आपने कई सारे क्वेश्चंस पूछ दिए तो हो सकता है 1 घंटा से ऊपर चला जाए। ओके, फीस सामने दिख रही है, 10,000 विद वीवीए, 6,000 विदाउट वीवीए। अब इसे कंपनी बात करते हैं। पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एमएस एक्सेस डेटाबेस को, फिर इसके अंदर जो क्यूरी है, क्यूरी के सिक्वल स्टेटमेंट है, एमएस एक्सेस है, आपको फॉर्म में जो क्यूरी एसक्यूएल इस्तेमाल होती है, एक्सेस की बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बिल्ट इन मैक्रोज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर वीवीए आप लेते हैं तो फिर वीवीए कंपोनेंट आते हैं, अगर वीवीए नहीं लेते हैं तो कंपोनेंट नहीं आएगा। उसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी विद अदर एप्लीकेशंस है, रिपोर्ट क्रिएशंस है, और इंटरव्यू में यूज होने वाले कुछ क्वेश्चंस एंड जॉब सर्च करने में हेल्प करते हैं। क्लासेस की वीडियोज मिलेगी, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ बुक्स मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, और इसमें आपको मिलेगा फ्री रीज्वाइनिंग पर्सेस। अगर इसकी पूरी डिटेल में देखना चाहो तो डाउनलोड पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल मैं आपको थोड़ी देर में भेज दूंगा, इस पे जा सकते हो। इसमें आप देखें, इसमें आपको देखें तो सबसे पहले बता दूं, एक से तीन लोगों का बैच होगा कि एक्सपर्ट लेवल की। वर्क आपको अगर फास्टेक जाते हैं तो 1-to-1 होता है। इसकी 40 से 50 घंटे बता ही दिया, और इसके सारे कंपोनेंट है जो कि मैं कवर कर रहा हूं कि इसमें क्या क्या यूज होगा। इसमें टेबल कैलकुलेशन सब कुछ है इसके अंदर, जैसे आप पूछ रहे थे ना कल। तो अब हम बात करते हैं एक कोर्स के बारे में। एक पीडीएफ में भेज दूंगा, आप आराम से बैठ कर देख लीजिएगा। टोटल इसमें 9 चैप्टर्स है, ठीक है? अब जैसे कि अब बात थोड़ा सा एक्सेस के बारे में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। एक्सेस में अगर आप पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टेबल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो स्टोर होगा वो टेबल में स्टोर होगा। बात समझ रहे हैं? तो टेबल को क्रिएट करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुझे इस टेबल में किस तरह का डेटा चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कुछ चेंजिंग करते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, नेम रिजर्व वर्ड है, लिख भी सकते हो लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, रिजर्व वर्ड नेम हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी हो गई, नंबर है, यहाँ पे एमआरपी हो गई, एमआरपी भी हमारा नंबर होगा। अब जैसे कि आपने बोला कि क्वांटिटी एमआरपी, और मैं एक कॉलम अमाउंट का डालना चाहता हूँ, और अमाउंट में टाइप नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने आप हो जाए, तो एक बार मैं एक कुछ डेटा टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। हालांकि आपको ये चीज डिजाइन करते समय ही सोचना होगा, लेकिन मैं मान लीजिए कि लिख चुका हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि 3-4 एंट्री हमने कर दिया यहाँ।
अब मैं चाहता हूँ एक कॉलम ऐड हो अमाउंट का, और अमाउंट में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी हो। तो इसके लिए मुझे डिजाइन व्यू में, अगर आपको टेबल में, इसे दो चीजें हैं सर, समझ गए, आपको अपने टेबल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी बट ऐसा रिपोर्ट चाहिए, तो उस केस में हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। हम डिजाइन क्यूरी में जाते हैं और टेबल को यहाँ डालते हैं, और यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे एमआरपी, और यहीं पे हम बना देते हैं अमाउंट कॉलम क्यू टी वाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी एमआरपी। ठीक है, और इसको यहां से हम क्लोज कर देते हैं, सेव करके। अब जैसे यहां पे जब डेटा देख, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। क्वांटिटी की शायद जो स्पेलिंग क्यों मिस्टेक बड़ा है, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, क्यू आर वाई है, क्यू टी वाई होना चाहिए ना, उसे केस सेंसिटिव होता है, उससे फर्क नहीं, बड़ा छोटा सा कोई फर्क नहीं है। अब देखिए आ गया ना सर, यहाँ पे देखा आपने आ गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा ओरिजिनल टेबल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट हमें चाहिए वो आ गया। अब ऐसे कब करते हैं, जब आपका टेबल किसी और डेटाबेस से कनेक्टेड हो, समझ गए ना, और या फिर इस टेबल को और कई जगहों पे यूज की आपने किया हुआ है जहां पे अमाउंट मुझे नहीं दिखाना है बट मुझे अमाउंट चाहिए, तो हम क्यूरी में देते हैं। तो क्यूरी में यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा, इसको आप जहां यूज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन आप चाहते कि नहीं नहीं मेरा टेबल में ही हो ताकि मैं फॉर्म बनाऊं तो फॉर्म में अपने आप वहां पे कैलकुलेट हो जाए, तो उस तो केस मेरे में आप क्वेश्चन था यहाँ पे, पूछिए। जैसे मैं इस टेबल में अमाउंट एक कॉलम मतलब क्रिएट किया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं दोबारा टेबल खोलूँ तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए, तो ये कॉलम ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। नहीं तब वो तो तब इसके लिए आपको यहाँ क्यूरी यूज करना पड़ेगा ना, यहाँ पे अभी क्वेरी तो तब यूज क्यूरी ही करती यूज कीजिए टेबल के अंदर नहीं, क्योंकि टेबल में जब आप टेबल में जब ने बना दिया तो फिर आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, अपने आप डिलीट थोड़ी होगा। तब आपको फिर फॉर्म पे, इसको। तब आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए, आपको कस्टमाइज चाहिए, तो आप फॉर्म पे आना पड़ेगा जहां पे वीजीए प्रोग्रामिंग करके लिस्ट बॉक्स में चीजें लाएंगे। या जैसे हम इसमें एसक्यूएल में करते हैं, एलियास करके एक टेम्प कॉलम बना लेते हैं, जैसे ही इसका काम हो जाता है वो टेबल डिलीट हो जाता है, तो उस तरीके से इसमें भी हो सकता है। इसमें हो सकता है लेकिन फिर ये स्टोर हो जाता है ना, आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, डिजाइन में जाने के बाद आपको यहां से मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, चाहे क्यूरी के डिजाइन में जाए या टेबल के डिजाइन में जाए, डिलीट करना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं ना कि प्रोपोज़ उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने वहां क्यूरी लिख देते हैं, आपका एसक्यूएल में जब क्यूरी लिखते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका क्यूरी जो होता है सिलेक्ट कमांड के थ्रू होता है, तो वहां एक करेक्टर होता है, बट यहां तो आपने एक कंपोनेंट तैयार कर दिया ना, आपने एक क्यूरी तैयार कर दिया या एक टेबल तैयार कर दिया, तो यहां ऐसे डिलीट आपको ऐसे जाएगा नहीं, आपको डिलीट करना पड़ेगा मैनुअली, या फिर वीवीए का यूज करना पड़ेगा। फॉर्म के ऊपर हम क्यूरी को रन कर देंगे या टेबल को रन करके हम रिपोर्ट को देख लेंगे, और फिर जैसे ही फॉर्म क्लोज करोगे हट जाएगा, तो टेबल से उसका लिंक नहीं रहेगा। जैसे आपने क्यूरी बना ले रहा सर, एक क्यूरी सही रहेगा आपके लिए, आप तो प्रॉब्लम कर रहे हो, तो क्यूरी से आपका टेबल पे कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आप क्यूरी को डिलीट भी कर देते हो ना सर, उससे आपका तो डेटा टेबल पे चेंज नहीं वो होगा, कॉलम रहेगा। डेटा जैसा वैसा रहेगा। हाँ अगर आपने टेबल के अंदर में नया कॉलम जनरेट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ टेबल के अंदर में अमाउंट जनरेट कर, यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, और यहाँ पे कैलकुलेटेड, यहाँ पे फील्ड का जो टाइप है वो हमने कैलकुलेटेड कर लिया, कैलकुलेटेड। अब यहां पे हमने कर दिया यहां पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, देन ओके। अब मैं इसको यहां से सेव कर देता हूं, अब देखो अब ये टेबल का पार्ट हो गया। अब जैसे मैं यहां एंट्री करूंगा इन द ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाँ यहां पे टैब मारते ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, तो ये चीजें है सर, यही पूछ रहे थे कल आप। नहीं, मैं कल कुछ और पूछ रहा था सर। मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे आपने अभी टेबल बनाई है, इसी की बात कर लेते हैं, इस टेबल को ओपन करिए। अब इसमें मेरा नाम आ गया, क्वांटिटी आ गई, एमआरपी आ गई। अब मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो
जो एमआरपी है ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाए, देन उसके बाद यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। जी, कर दीजिए सर, उसके बाद मैं नाम को शॉर्ट कर दूं। अब सपोज जैसे मेरा नाम अगर इसमें रिपीट हो रहा होगा तो जो पहला नाम होगा उसके अगेंस्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सेकंड वाले पे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि इधर हमने वैल्यू हमारी शॉर्ट है पहले से। अब मुझे करना ये है कि कॉलम ऐड हो जाए और उसमें एमआरपी का डिफरेंस आ जाए सर। सपोज अगर मेरा जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ इंदर, तो इंदर अगर मेरा नीचे भी होता मोहित के पास में, मोहित की जगह, तो वो 65-65 करके मुझे उसका वैल्यू अगली रो पे 0 दे देता। ऐसे ही नीचे आता वो फिर से सीएम नाम पे आता, जो नाम आपने लिखा हुआ ओम। इस तरह की चीजें करने के लिए एक्सेस नहीं है, इसके लिए तो एक्सेल बनाया ना सर। नहीं एक्चुअली सर एक्सेल पे डेटा तो मेरा उसकी लिमिटेशन है, अगर 10,000 के ऊपर का डेटा है तो वो नहीं हैंग कर देता है। बेसिकली इसमें अगर आप करते हैं ना सर, तो इसमें देखिए बताता हूँ, जब एक कैलकुलेट होगा तो पूरा कॉलम टू कॉलम कैलकुलेट होता है, एक सेल टू राइट सेल सर, कैलकुलेट नहीं होता। ऐसा नहीं करेगा कि ये ऊपर वाले में से माइनस कर देगा, ऐसा नहीं कर पाएगा वो एक्चुअली माइनस मेरी करेगा समस्या फील्ड टू फील्ड को। आप सही कह रहे हैं सर, वो मैंने भी काफी देखा, लेकिन मेरी समस्या ये कि अब जिस कंपनी में मैं अब हूँ जो वो चीज टेलीकॉम के, देखिए, जो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एडिट कैलकुलेशन आप करना चाहते हो, उसके लिए चाहिए एक एड्रेस। सेल सेल कह रही है, सेल आपने बोला एक सेल कैलकुलेशन, बट चाहे एसक्यूएल हो, चाहे आपका एक्सेस हो, या ओरेकल हो, या सैप हो, जितने भी डेटाबेसेस हैं, ये इसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो फिल टू फिल कैलकुलेशन होती है। चाहे पावर बीआई भी हो, वहां भी कैलकुलेशन जो होता है फिल टू फिल होता है। तो इस तरह के कस्टम कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर डेटा पर नहीं कर, हाँ यहाँ यही किया जा सकता है कि मुझे इंदर्स की पता चल जाए, एक पिवट की तरह मुझे पता चल जाए कि इंदर्स की टोटल कितना है। सर वो तो ग्रुप वाइज से हो जाएगा, लेकिन हाँ मेरा मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में मेरे पास कस्टमर्स हैं, 1 लाख का कस्टमर बेस है। अब वो क्या है कि कस्टमर बेस हमें कंप्लेन भी दे रहे हैं, राइट। अब मुझे निकालना है कि एक एक्स कस्टमर है, तो उसने मुझे 1 अगस्त को कंप्लेन दी, फिर एक्स कस्टमर ने मुझे 5 अगस्त को कंप्लेन दी, फिर उसी एक्स कस्टमर ने मुझे 10 अगस्त को कंप्लेन दी, ऐसे ही वाई कस्टमर है उसने भी मुझे डेट वाइज कंप्लेन दी। मुझे निकालना है ये कि जो एक्स कस्टमर है, जो रिपीटेड कस्टमर है, उसने मुझे कितने दिन की एजिंग में कंप्लेन दोबारा दे रहा है, रिपीटेड हाँ, एजिंग तो इस मुझे चीज के लिए सर, निकालनी। इस चीज के लिए एक्सेल है, और आपको लग रहा है कि एक्सेल पे डेटा, आपके पास डेटा ज्यादा है, तो डेटा को आप ये कर दीजिए ना, तोड़ दीजिए जोन वाइज, या फिर प्रोडक्ट वाइज, या सिटी वाइज, इसे तोड़ के आप अलग अलग फाइल बना लीजिए, वो आप हो सकता है ये चीज। सर एक्चुअली मैं वीपीए के थ्रू भी करना चाह रहा हूँ, ऑटोमेशन के थ्रू यूज सर कर रहा वीपीए हूँ, के थ्रू भी तो करेंगे, देखिए स्ट्रक्चर जो मैं होता वही है, कह रहा हूँ। उसमें क्या है, डेटा मेरा इतना हैवी, डेटा की वजह से वो हैंग कर रहा है। अगर मैं उसमें 10,000 के डेटा बेस पे भी काम कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे को सिस्टम हैंग कर देता है उस टाइम, तो 10,000 उसके में लिए सिस्टम हैंग नहीं वैसे करेगा, 10,000 पे नहीं करेगा सर, कम से कम 1-1.5 सर लाख में हैंग वीबीए करेगा। वीबीए के थ्रू कर रहा हूँ, तो वो फिर दिक्कत करता है नहीं ना। नहीं नहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वीवीए करे हम, मैं भी काम करता हूँ, मैं तो 5-5 हज़ार पे काम करता हूँ, ऐसा तो हैंग नहीं होता। हैंग अच्छा कब दूसरा होगा सर आपका, मैंने, आप सुनिए, हैंग कब होता है आपका, कि जब आपने जो फॉर्म, बहुत सारे फॉर्मूले लगाए, उस फॉर्मूले में आपने पूरा का पूरा कॉलम का रेंज दे दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, बताता हूँ आपको क्यों अच्छा हैंग एक होता एक है। सेकंड सर, हैंग होने का मैं हैंग आपको होने बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, एक एक सेकंड। मेरा उसमें मैंने इसमें गूगल पे सर्च किया था, जैसे एसक्यूएल में क्या है, एसक्यूएल में ये चीज तो हो जाती है पॉसिबिलिटी कि रो में वो रो को वो कर रहा है काम, उसमें लीड फंक्शन करके होता है, उसको जब यूज कर रहा हूँ तो वहां पे वो एसक्यूएल पे काम कर रहा है, लेकिन लीड फंक्शन जो है एमएस एक्सेस पे नहीं चलता। नहीं चलता है एक्सेल, एसक्यूएल के तकरीबन 70% फंक्शन नहीं काम करता है। तो अब मैं जाके एमएस एक्सेस में फंस गया, मुझे एसक्यूएल की जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन एक्सेस में मैंने काफी सर्च किया है लीड फंक्शन का कोई अल्टरनेट मिल जाए, मुझे कम्युनिटी रो ऐड करने का भी ऑप्शन मिला एमएस एक्सेस में, लेकिन मुझे डिफरेंस निकालने का नहीं मिलता। सर देखिए, मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया हूँ अभी तक, जो आपने प्रॉब्लम किया है, लेकिन एज पर थ्योरी, थ्योरी जो कहती है, जो एमएस एक्सेस का जो स्ट्रक्चर है वो इसको डिनाई करती है।
फिर मैं एक बार रिसर्च करूंगा, ऐसा नहीं बोलो मैं डिनाई करूँ कि नहीं होगा, बट क्या ना सर कि एक्सेस का जो डीएनए करता है, जैसे इसको डीएनए कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं इसका, वो उसकी थ्योरी कहती है कि नहीं इस तरह की कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं सर? होनी तो चाहिए सर, उससे देखना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो उस पर एक बार मैं इसका एक देखता हूँ, एक अल्टरनेट निकालता हूँ। आपको जस्ट माइनस ही करना है ऊपर वाले से नीचे वाले में, जी, ऐसे करता चला जाए वो, मतलब एक नाम से आप फर्क नहीं जस्ट पड़ता। जस्ट आप ये करें कि ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दे। राइट सर, राइट। यही तो दिक्कत है, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, क्रॉस टैब टेबल में आप अपना अमाउंट को कॉलम में रख देंगे तो हो सकता है सर, लेकिन ये दिक्कत होगी कि अगर एक कस्टमर ने अगर 50 बार कंप्लेन किया होगा तो 50 कॉलम बन जाएंगे फिर। ठीक देखा, कुछ किया जा करता हूँ सर, कुछ मैं देखता हूँ। अच्छा, दूसरा सर मेरा एक और था इसमें क्वेश्चन छोटा सा, कि जैसे हम VBA पे फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें हम इनरोल करके जो अपना आता है यूजर सिस्टम का आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके थ्रू हम अलग अलग यूजर्स को एक्सेस दे देते हैं थ्रू पासवर्ड। तो उसमें क्या होता है, कुछ अगर एरर आ गई तो क्या होता है, वो जाके स्टक हो जाता है उस जगह पर, वो कोडिंग में वापस चला जाता है। मैं एमएस एक्सेस में क्या हम ऐसा, जैसे हम देखते हैं डॉट नेट में हम अपना फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, कस्टमर को सिर्फ उसका फ्रंट एंड ही यूज करता है, बैक एंड से मतलब नहीं होता है, तो ऐसा क्या हम एमएस एक्सेस में हम कोई फॉर्म क्रिएट करके उसको इस तरीके से यूज नहीं, कर यहाँ सकते भी हैं जैसे। आपको डिबग वाला ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आप उस एरर को पास आउट करना चाहते हैं तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट का कोड होता है वो लगा दीजिए, या बीवीए को प्रोटेक्ट कर दीजिए ताकि बीवीए में नहीं जा पाएगा वो। यहाँ भी डिबग जाएगा, यहाँ भी सेम कोड पे चला जाएगा अगर आपने बीवीए को प्रोटेक्ट नहीं किया है तो, क्योंकि एक्स बीवीए की बात करें तो एक्सेल बीवीए और एक्सेस बीवीए में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा, आगे आगे